पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, यही बताता है आपका सीआरपी सेक्शन 41। और 41 ही पुलिस को ये पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उन्होंने कोई संज्ञेय किस्म का अपराध किया हो, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तब। ये सेक्शन हम ट्रिक से सीखेंगे, एक सेकंड में आपको पूरा सेक्शन याद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, अगर किसी भी इंसान ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किया है तो पुलिस क्या करेगी, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब ये कौन से ऑफेंस होते हैं, समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो अपराध थोड़ा गंभीर किस्म का होता है और उस अपराध को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अब आपने कहीं पे पढ़ा होगा या सुना होगा, कहीं किसी से, किसी ने आपको बताया होगा कि जिसमें 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है मेरे पास जिनमें 6 महीने की सज़ा है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो सिर्फ इतना समझिए, बाकी मैं आपको आईपीसी के अंदर बताता ही रहता हूँ कि ये सेक्शन कॉग्निजेबल होगा या फिर नॉन कॉग्निजेबल होगा, लेकिन इतने सेक्शन याद रखने भी आसान बात नहीं होती। इतना ही समझ लीजिए कि जो गंभीर किस्म का है और उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है या वो कर रहा है और वो संज्ञेय किस्म का अपराध है और उसमें सज़ा उसको 7 साल या उससे कम की मिलेगी और वो एक विश्वसनीय जानकारी है, तब भी पुलिस वाले जाए क्या कर लेंगे, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जाते गुद्दी पकड़ के पीसीआर में बिठाएंगे। लाइक चोरी का मामला, कोई कहीं पे चोरी कर रहा, किसी ने फ़ोन करके कह दिया जी यहाँ पे ऐसे ऐसे चोरी कर रहे हैं, पुलिस गई जाके देखा, हाँ और चोरी करना क्या है, संज्ञेय ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है 379, और 379 में कितनी सज़ा होती है या मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन पुलिस को कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मिल गई, लेकिन पुलिस वाले भरोसा नहीं करते हैं, 50-50 का भरोसा करते हैं कि बात में दम हो भी सकता है और बात में दम नहीं भी हो सकता है। लाइक जो दहेज के केस होते हैं, अब किसी ने फ़ोन करके कहा कि सर मेरा पति और ससुराल वाले मेरे से दहेज मांग रहे हैं, और वैसे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, लेकिन पुलिस ने 50-50 भरोसा किया कि बहन जी सच भी बोल सकती है और बहन जी झूठ भी बोल सकती है, क्या पता ससुराल वालों को डराने के लिए फ़ोन किया हो ताकि पुलिस हमारे घर आ गई तो डर जाएंगे, ऐसा भी बहुत केस में होता है। तब ऐसे में पुलिस क्या करेगी, ऐसे में पुलिस को जो ठीक लगेगा ना वो करेगी। अगर पुलिस को लगा कि जाने देते हैं, देखो गिरफ्तार तो कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पावर है 41 के अकॉर्डिंग, गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ये सोचती है कि नहीं मामला झूठा लग रहा है, जाने देते हैं। लेकिन अगर पुलिस को लगा कि हमने इसको जाने दिया और इसने अगर कोई और अपराध कर दिया तो, तब पुलिस उसको क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। अगर पुलिस को लगा कि हमने इसको जाने दिया लेकिन कल को अगर ये इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाएगा तो इससे अच्छा इसको गिरफ्तार ही कर लेते हैं, तब भी पुलिस उसको क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके। अगर पुलिस को लगा कि हमने इसको जाने दिया और इसने एविडेंस के साथ में छेड़खानी कर दी तो इसको गिरफ्तारी कर लेते हैं ना, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। अगर पुलिस को लगा कि हमने इसको जाने दिया और ये किसी ऐसे इंसान के पास में जाके बैठ गया जो इसको पाठ पढ़ाएगा, अब पाठ कैसे पढ़ाएगा, वैसे वाले, अरे पुलिस के सामने मुंह मत खोल देना, अरे ये बात मत बताना, अरे तू मुंह मत खोल देना, मैं ऐसा वकील लाऊंगा हाथों हाथ जमानत करवा दूंगा तेरी मैं, अरे फतू फरार हो जा, ऐसे ऐसे शिक्षा देने वाले बहुत होते हैं और पुलिस को बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे लोगों से, कहीं अपराधी उनके पास जाके बैठ गया ना तो इसको फरार ही कर देगा। तो पुलिस को अगर ये डर है कि वो कल को फरार हो जाएगा या ऐसे इंसान के पास में जाके बैठेगा जो या तो इसको धमकी देगा कि अगर मेरा नाम बता दिया ना तो पूरे परिवार को टपका दूंगा, या फरार हो जा, या पुलिस के सामने मुंह मत खोलना, तो इससे अच्छा इसको गिरफ्तारी कर लेते हैं। या फिर अगर पुलिस को लगा कि हमने इसको जाने दिया और हमने अगर इसको बुलाया, जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसको पेश करना होगा, हमने इसको बुलाया फ़ोन करके कि आजा भाई कल 9 बजे ना कोर्ट के बाहर मिलना, हमको तुझे पेश करना है, और ये टाइम पे आया नहीं तो तब क्या करेंगे, तब तो नौकरी खतरे में, तो इससे अच्छा इसको गिरफ्तारी कर लो, नहा धो के साथ में लेके चलेंगे। बात समझ में आई, अगर मामला 50-50 का हो ना कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस का इत्तला तो मिल गई, जानकारी तो मिल गई, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ पर 50-50 का मामला, तो ऐसे पुलिस कर सकती है जी। और जब भी किसी को गिरफ्तार करेगी पुलिस उसको बता के गिरफ्तार करेगी कि हम तुझे इस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, और आसपास में जो भी लोग होंगे उनके साइन भी ले लेगी, ऐसे साइन लेते हैं, एक मेमो तैयार होता है वो मैं दिखा दूँगा आपको, मेमो तैयार होता है, मेमो के साथ में साइन कर लेते हैं कि भाई जब हमने इसको गिरफ्तार किया तो एक गवाही वहाँ पर था, कोई साक्षी वहाँ पर था, ठीक है, ऐसे होता है। अगली बात भी बताता है कि अगर किसी ऐसे अपराध की इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा की हो और वो संज्ञेय ऑफेंस हो, तब भी पुलिस क्या कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। लाइक जो फिरौती मांगते हैं कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया, इतने लाख रुपए भेज दो, है ना, 364A के मामले 10 साल सज़ा होती है इसके अंदर, 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो पुलिस वाले अगर विश्वास है कि ये बात में दम है
तो उसको जाते ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे, गुद्दी पकड़ के पीछे में बिठा लेंगे। अगली बात बताता है, कोई भी ऑफेंडर है जो प्रोक्लेम्ड है, कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब ये कौन होता है? ये कोई भी ऐसा अपराधी जिसके ऊपर पहले से कोई चार्ज लगा हुआ है। अगर कोई ऐसा अपराधी अपने एरिया में ऐसे खाली घूम रहा है, पुलिस को पता लग गया, तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। लाइक जेल से भागा हुआ, लाइक जो मोस्ट वांटेड है, या फिर जेल से भागा हुआ है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और पुलिस को पता लगा कि हमारे एरिया में जो घूम रहा है ना, इसके ऊपर पहले से कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, ये यहाँ पर रहा है, पिकनिक मना रहा है, तो तभी उसको गुद्दी पकड़ के बिठा लेंगे, बीपीसीआर में बैठ या फिर थाने में चल, तो उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया बिना वारंट के। पुलिस ऐसे कर सकती है। अगली बात बताता है, कोई भी चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर किसी इंसान के पास में ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो चुराई हुई है, तब भी पुलिस उसको क्या कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, लोग क्या करते हैं, कपड़े के शोरूम में जाएंगे और ब्रांडेड कपड़े, शर्ट जींस जो हैं, चुरा के ले आएँ, पूरा शोरूम ही चुरा के ले आएंगे, और फिर गाँव में सस्ते रेट में उनको बेचते हैं, तो उसके पास क्या है, वो चुराई हुई संपत्ति है। और ऐसी सूचना अगर पुलिस को मिली तो पुलिस वाले जाते गुद्दी पकड़ के पीसीआर में बिठा लेंगे, भैया तेरे को हमने गिरफ्तार कर लिया, बोला वारंट दिखाओ, बोला यहाँ देखेगा या थाने में देखेगा, बैठता है नहीं बैठता, है ना। ऐसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दिया था कि एक रियल एग्जांपल था, वो ऐसे नहीं देता मैं हवा में एग्जांपल। एक हरियाणा में था, कंबल चोरी कर लिए थे उसने, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, और गाँव में फिर उन कंबलों को सस्ते रेट में बेच रहा था। अब गाँव की लेडीज थोड़ी सातिर होती है, अच्छा ताऊ चोरी का माल बेच रहा है, अभी बताते हैं पुलिस को, तो चोरी का सामान जिसके पास मिल गया, पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। या फिर पुलिस अपनी कोई भी ड्यूटी कर रही है और कोई इंसान टांग अड़ा रहा है ड्यूटी के बीच में, तब भी पुलिस क्या कर लेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। लाइक कोई सरकारी ज़मीन पर किसी ने घर बना लिया और नोटिस आ गया कोर्ट से कि इस घर को तोड़वाओ, ज़मीन खाली करवाओ, पुलिस पहुंच गई जेसीबी लेकर। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस तो अपना ड्यूटी कर रही है। अब इस घर के अंदर जो लोग रह रहे थे या इनके कुटुंब वाले थे, वो पुलिस का विरोध करने लग गए, भाई हम घर नहीं तोड़ने देंगे, तो क्या कर रहे हैं, वो पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं जी, टांग अड़ा रहे हैं, तो पुलिस उस टाइम उनको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। या फिर कोई भी आर्म्ड पुलिस है, आर्म्ड फोर्स है, यानी कि सशस्त्र बल का कोई भी सैनिक है, अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, उसके उसके ऊपर कोई हमला करता है, उसके साथ कोई हाथापाई करता है, किसी प्रकार का उसके साथ अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस क्या कर लेगी, हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेगी, यानी कि बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर लेगी। या फिर कोई भी इंसान जो भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, कोई भी इंसान जो आउट ऑफ इंडिया ऐसा ऑफेंस करता है, अगर वो सेम इंडिया में करता तो वो सज़ा का हकदार होता, यानी कि उसको सज़ा मिलती, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता। लाइक एक इंसान ने जो हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ है, उसने एक शादी इंडिया में कर ली, एक बहू इंडिया में, फिर विदेश चला गया, एक शादी वहाँ कर ली, अब एक बहू बाहर, एक बहू भारत में, जब भारत में छुट्टियाँ मनाने आया तो इसके साथ कच्चे काट रहा है, और जब भारत से बाहर चला गया तब इसके साथ कच्चे काट रहा है, यानी कि दो दो बहू, दोनों हाथों में लड्डू, यहाँ लोगों को एक नसीब नहीं होती, ये दो दो, एक इंडिया में एक फॉरेन में, कमाल है। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बोला जी मैंने, जैसे सिख धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, अगर ऐसे लोग पहली पत्नी के होते हुए, या फिर या तो मर चुकी हो या है और तलाक नहीं हुआ है, तब दूसरी शादी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। अब इसने पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली, अगर सेम ऐसा ही अपराध ये इंडिया में करता तो क्या हो जाता, ऑफेंस हो जाता, तो पुलिस क्या करती, गिरफ्तार कर लेती। बात समझ में आई? अगर कोई भी इंसान ऐसा ऑफेंस करेगा भारत के बाहर, अगर सेम इंडिया में करता, एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, तो उसको पुलिस गुद्दी पकड़ के बिठा लेगी पीछे में, अच्छा दो दो के साथ मजे ले रहा है, यहाँ साला एक नसीब नहीं है। अगर किसी इंसान को 356 का सब सेक्शन 5 का उल्लंघन अगर किसी ने किया है, तब भी पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। अब ये क्या होता है जी, देखो जो इंसान जेल काट के आता है ना, तब जेल वाले उसको एक वार्निंग देते हैं कि जो एड्रेस तुमने हमको बताया ना तुम्हारे रहने का, कि भैया मैं इस जगह पर रहता हूँ, जैसे कोई भी एड्रेस है भाई, हाउस नंबर मेरा एक है, गली नंबर भी एक है, मकान नंबर एक है मेरा, विलेज ये है, डिस्ट्रिक्ट ये, ठीक है, ऐसे उसने एड्रेस बता दिया जी मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, तो उसको ये कहेंगे कि बेटा जी 5 साल तक अब ये एड्रेस बदलना मत, और अगर तुझे बदलना हो तो पहले हमको आके बता देना कि अब मैं मेरा एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, लाइक आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लिया, और जहाँ से जेल से छूट के आया वहाँ उनको बताया ही नहीं, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी। ये कहता है 356 का सब सेक्शन 5 कि अगर जो जेल से छूटा हुआ कोई कैदी है और उसको वार्निंग दी है कि अगले 5 साल तक
तुमको तुम्हारा एड्रेस चेंज नहीं करना है, और अगर तुम्हें एड्रेस चेंज करना ही पड़ जाए तो आके हमको बता देना कि अब मेरा एड्रेस ये है, और अगर हमको बिना बताए तुमने एड्रेस चेंज कर लिया तो पुलिस वाले कभी भी तुमको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर उसने बिना बताए एड्रेस चेंज कर लिया ना 5 साल तक, तो पुलिस वाले उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अगली बात ये कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला ऐसी इंफॉर्मेशन देता, पुलिस वाला ही पुलिस वाले को ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आगे एक ऐसा अपराधी आ रहा भैया फटाफट उसको पकड़ लो। जैसे कि रियल केस बताता हूँ, राजस्थान का एक केस था, एक ट्रक बैरिगेट को टक्कर मार के भाग गया, आगे पुलिस वाले चेकिंग के लिए रुका रहे थे, तो लगा कि भागा है तो खोट में है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जिस रास्ते की तरफ आ रहा था ना, वो हरियाणा की तरफ रास्ता आ रहा था, तो पुलिस पीछे पीछे ट्रक वाला आ गया आगे, तो उन्होंने उसी टाइम जो हरियाणा की जो पुलिस थी उसको इन्फॉर्म किया कि एक ऐसा ऐसा ट्रक हरियाणा की तरफ आ रहा है और शायद बहुत बड़ा कांड कर रखा है, इसीलिए भागा, हमने तो वैसे ही चेकिंग के लिए रुकाया था, तो उसको गिरफ्तार कर लो हमारे आने तक, वैसे हम पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे एक राजस्थान की चौकी भी है और एक हरियाणा की चौकी भी, दोनों चौकियाँ हैं। तो उन्होंने उस ट्रक को रुकवा लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वाले ने ही इंफॉर्मेशन दी थी। अगर कोई पुलिस वाला ही पुलिस वाले को ऐसी इंफॉर्मेशन देगा, तब भी वो बिना वारंट के उनको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो ये कहता है जी आपका सेक्शन। इस सेक्शन की जो अगली बात है, ये ए बात थी, ये बातें। बी बात ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने भले ही कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, लेकिन अगर उसने जमानत ले ली हो, तब पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उसने ऐसे कोई अग्रिम जमानत कोई ले लिए, कोई एंटिसिपेटरी बेल अगर ले लिए, तो पुलिस वाले उसको फिर गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। और वो अगर आप भी ऐसे कोई गिरफ्तारी से बचना चाहते हो, तो एंटिसिपेटरी बेल कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, या फिर समाधान नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा। समाधान के अंदर मैंने वो सारे सॉल्यूशन लिख रहे, सब सॉल्यूशन की वीडियो है कि अगर किसी के ऊपर कोई केस लगा तो कैसे सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये था आपका सेक्शन 41, ऐसे अपराधों के अंदर पुलिस क्या कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी जी। ठीक है, थोड़ा संभल के रहना। अब बताता हूँ आपको ट्रिक, पूरा सेक्शन 2 सेकंड में याद। देखिए कैसे, दो भाई थे, तो एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि भाई मेरे सिगरेट साथ साथ पियो, भाई मेरे सिगरेट साथ साथ पियो, पर प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ जी। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि भाई मेरे सिगरेट साथ साथ पियो, पर प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ जी। देखो कैसे, सिगरेट से बन गया आपका, सिगरेट से आपका सी भी बन जाएगा और सै भी बन जाएगा, यानी कि कॉग्निजेबल और संज्ञेय ऑफेंस। ठीक है, साथ साथ पियो जी, यानी कि जिस अपराध के अंदर 7 साल या उससे कम की सजा है, या जिस अपराध के अंदर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, क्लियर, तब भी पुलिस क्या कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। सिगरेट साथ साथ पियो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, क्लियर। पर प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ जी, प्रॉपर्टी आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी, टांग मत अड़ाओ जी, पुलिस के काम में टांग मत अड़ाओ जी। अड़ाओ जी, अड़ाओ ए से मतलब हो गया आपका आर्म्स पुलिस, ये वाली आर्म्ड पुलिस, डी का मतलब ये सॉरी अड़ाओ अड़ाओ हो गया साइलेंट, ओ का मतलब हो गया आपका आउट ऑफ इंडिया, और आई का मतलब हो गया आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, भाई मेरे सिगरेट साथ साथ पियो, पर प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ जी, ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, छोटा भाई है तो छोटा बन के रहे, जितनी दे रहा हूँ उतनी ले ले, समझ में आई। सिगरेट साथ साथ पियो जी, पर प्रॉपर्टी में टांग मत अड़ाओ जी। सिगरेट आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, 7 साल या उससे कम का अपराध है तब भी बिना वारंट, 7 साल से ज्यादा तब भी बिना वारंट, पियो मतलब कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तब भी बिना वारंट, प्रॉपर्टी अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास मिलती है तब भी बिना वारंट गिरफ्तार, टांग मत अड़ाओ जी, अगर पुलिस की ड्यूटी में अगर उसने टांग अड़ाई तब भी पुलिस क्या कर लेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। अड़ाओ जी, ये यहाँ पर डी और ए है वो साइलेंट है, ठीक है। ए मतलब आर्म्ड पुलिस के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, उसको तंग करेगा तो तब भी बिना वारंट के गिरफ्तार, ओ मतलब अगर आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ऐसा अपराध करता है तब भी उसको गिरफ्तार कर लेगी, और जो जी ये जी वाला बच गया आपका, इस आई का ये जे फॉर जेल, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ओ का मतलब आउट ऑफ इंडिया, जे का मतलब जेल, 356 वाली जेल, ठीक है। अगर किसी को जेल की सजा जो काट चुका है फिर भी अगर वो बिना एड्रेस बताए अगर ऐसे 5 साल तक घूमेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार, जे फॉर जेल,
ठीक है, और आई फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका सीआरपी सेक्शन 41। ट्रिक अच्छी लगी या ये अच्छा लगा, जैसा भी हो, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मुझे बताएंगे ज़रूर कि समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।